हो सकता है तुहाडे चो कुछ लोग मैनू ना जानते हो पर मैं दो साल तो एक्टिवली किसान संघर्ष के नाल हाँ। तो उस तो पहला असि मिशन ग्राम सभा बारे काम करते रहे पिंडां विच असी जो विचार लैके गए थे वह लैके गए थे भी सरकार ने साडे लई कुछ नहीं करना ते सानू जिहड़ी साडी आर्थिकता है वह पिंडां कंट्रोल करनी चाहिए यानी पिंडां च जो असी उगाउणे आ उसे नू असी उत्थे फूड प्रोसेसिंग वाला करिए उत्थे दस पिंडा मगर एक कोल्ड स्टोरेज लाइए ते असी आत्म निर्भर होइए जेडे पंचायतां कोल अधिकार बहुत है गया पर उन्हां नू जानकारी नहीं हैगी भी जिहदे च असी दीवानी फैसले भी उत्थे कर सकते हैं जेडे क्रिमिनल फैसले आ वह भी पिंड विच कर सकते हैं जिहदे नाल साडी अदालतां ते भी टेक कर इस गल तो चलदे हुए गल बनती है विकेंद्रीकरण नीति की या फेडरलिज्म की वो फेडरलिज्म की गल जी असि 2014-15 तो चुकते सी वो अखीर आके कलमीनेट हुई जो खेती कानून बनाते फेडरलिज्म तो बारह जाके बनाते चलो इथे लोगों समझ आई इथे असी फिर यह गल रखी सी उथे भी इनू आप फेडरलिज्म भी नाल जोड़ के मुद्दा बनाइए तो लोगों को फेडरलिज्म बारे जानकारी दईए क्योंकि इन विचों कितने सारे मुद्दे निकलते हैं एक खेती कानून होर भी मुद्दे निकलते इहदे विचों ते इहदे विचों पंजाब का जिहड़ा हर सूबे दा कल्ला पंजाब का नहीं हर सूबे का जिहड़ा हक है वह होना चाहिए भी वह आपदियां नीतियां आप बनावे इत्थे असीं कामयाब हो गए असीं अपने कानून वापस करवाते पर साडे सारे मुद्दे खत्म नहीं हुए हुण देखो भाखड़ा का जिहड़ा मुद्दा है यह भी मतलब उही केंद्रीकरण नीति चो निकलिया भी केंद्र सरकार ने इस कहा कि भी जी असि डैमा का प्रबंध वधिया करांगे साडे कोल फंड ज्यादा है उन्होंने सानू ही बाहर कढ़ता बिजली साडी पहले ही लई हुई सी पानी उधरों की एक नवी कैनाल बना के एस वाई एल नहीं बनी तो एक बाहरों की एक होर बना के डैम नू उच्चा करके पानी उधरों की भी पाता यानी सारिया मन मर्जिया करी जांदे आ ते क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि असी जागरूक नहीं रहे ते हौली हौली साडे स्टेटां दे अधिकार खुसी गए बहुत पहला पंजाब दे विच इह गल उठी सी जदों आनंदपुर साहब का मता बनिया सी भी चार जिहड़े कानून है वड्डे उह केंद्र कोल रह के बाकी सारा अधिकार सूबियां कोल होना चाहिए उदों लोकां नूं इह गल दी समझ नहीं आई भी की है उन्हां नूं इहनां नूं मीडिया ने वख-वख नाल जोड़ता साडे लोकां नूं भी कईआं नूं लगन लग गया भी इह वख-वख है जबकि उह गल सूबियां दे वध अधिकारां दी सी ते उह कल्ले पंजाब वास्ते नहीं सी उह पूरे भारत दे सूबियां बारे गल सीगी हुण आपां वेखीए भी जे असी इस नीति नूं नहीं प्रचारदे असी इस नीति दे तौर ते इहनूं हर गल्लां नूं नहीं जोड़दे तां असी अड्ड अड्ड धरने लाउंदे रहांगे कदे असी खेती कानून वास्ते लावांगे कदे असी MSP वास्ते लावांगे कदे असी भाखड़ा दा साडा लै गए उहदे वास्ते लावांगे कदे साडे जिहड़े पढ़ाई वाले स्कूल है उहनां दे विच साडा इतिहास गलत करता ओहदे बारे लावांगे कदे असी लावांगे भी जी साडी पंजाबी भाषा नहीं चलदी कदे असी कोई होर मुद्दे ते लावांगे कदे असी कहांगे जी साडे जिहड़े डाक्टरी ते सारा सिस्टम है ओह खराब करी जांदे आ ते एक रुपया लीज ते एडी एडी जमीन है जिहड़ी ओह कारपोरेट हस्पतालां नूं देई जांदे आ ते ओह लुट्टी जांदे आ यानी कि सारे मुद्दे इंटर रिलेटेड है जे सारे जुड़े हुए आ तां सानूं नीति क्यों नहीं समझनी चाहीदी तां नीतियां दो ही है एक केंद्रीकरण नीति भी सारा कुछ मोदी कंट्रोल कर ले पहला इंदिरा गांधी करती सी हुण मोदी कर सकिया दूसरा है भी सूबे आपो अपना प्रबंध करने आपके हिसाब नाल इहदे जो मैं जिहड़े जिहड़े वीरां नूं ज्यादा नहीं पता उन्हां मैं एक छोटी जी उदाहरण दिंदी हां जिहड़ी कि तुहानूं समझ आ जूगी हुण अपने पंजाब दे विच गुरुआं ने जदों तों दित्ता है तां उहदे विच औरतां दी हालत काफी बेहतर हो गई सी मुकाबलतन ना इत्थे कोई औरत दे घुंड कढ़न दी पाबंदी सी ना कोई उहनूं मारदा सीगा ना कोई मतलब आए सीगा भी उह मंजे थल्ले बैठूगी जां विधवा होण तों बाद उहदे वाल नहीं सी कटदा इह सारा सीगा पर जिहड़ा कानून बनिया उह उहो जिहा बनिया जिहदा आह गल्लां भी विच लैंदा सी ते पूरे भारत दा इक वर्गा कानून बनिया हुण साडे इत्थे पढ़ाई होगी कुछ होर शहरां च पढ़ाई होगी केरला च पढ़ाई होगी पर साडे कानून इत्थे फिर भी उही है जिहड़े ना बराबरी दे जिहड़े हुण इन्हां ने एक नवां कानून शायद तुहानूं ना पता होवे हाई कोर्ट दे विच कुछ पटीशनां पाईआं ते उहदे विच उह कहिंदे भी जी विआह संबंधां दे विच वी तुसीं बलात्कार दा कानून लागू करो
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਧਨ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋ ਦੋ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ ਯਾਨੀ ਘਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਚੁੱਕਰ ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜਕੜ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ